तो चलेगा इस यहाँ पर हमें पहले स्पिन में M16 का स्किन मिल चुका है, तो कैसे लेना है ये ट्रिक में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हेलो फ्री फायर गेमर्स, तो कैसे है आप लोग, आई होप कि बढ़िया होगे एंड मेरे भाई आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस जैसे कि आपने पहले छोटी सी क्लिप के अंदर देखा होगा कि यहाँ पर मैंने ओनली वन स्पिन में जो कि M16 का जो न्यू स्किन आया है वो ले लिया है। अगर आपको भी चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप फिर कितनी भी टिकट मतलब कि वीपर रोल की कितनी भी टिकट गवा दोगे फिर भी आपको M16 का स्किन नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस आपको यहाँ पर से बहुत जल्द मतलब कि ओनली वन स्पिन में M16 का स्किन कैसे लेना है ये मैं ट्रिक इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस, और आपको लाइव प्रूफ के साथ लेके भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको M16 का स्किन कैसे लेना है इस ट्रिक के बारे में पता नहीं चलेगा और M16 का स्किन आप गवा दोगे और आप अपने डायमंड भी गवा दोगे। तो चलेगा इस वीडियो को करते स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्री फायर गेमर्स न्यू है चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर फ्री फायर के जितने भी लेटेस्ट अपडेट एंड टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो में लाता रहता हूँ। तो चलेगा इस ट्रिक को करते स्टार्ट। लेकिन ट्रिक के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉलो नहीं करते तो आपको इस ट्रिक के बारे में पता नहीं चलेगा और आपको यहाँ पर से ट्रिक भी वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर से कैरेक्टर के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर से अपना जो भी कैरेक्टर उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे आलोक है तो यहाँ पर से हम आलोक को चेंज कर लेते हैं, और आलोक के जैसे कि उसकी जगह आपको यहाँ पर से आडम्बा लाने, क्योंकि आडम्बा बहुत ज़्यादा ट्रिक को वर्क करते हैं। तो इस तरह से आपको आडम्बा ला देना, जैसे कि हम ला देते हैं और पूरा नुमड़ा बना देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर से कलेक्शन के अंदर जाना है, अपने जो भी गन लॉबी के अंदर शो कर रही है तो उसको हटा देना है और यहाँ पर से अपना जो भी पूरा का पूरा आईडी नुमड़ा बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से बना दिया है। तो इस तरह से करने के बाद आपको पेट के अंदर जाना पड़ेगा और पेट के अंदर जाने के बाद आपका जो भी पेट है उसको यहाँ पर से रेस्ट कर लेना, जैसे कि हम रेस्ट कर लेते हैं। और आपको सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा और सेटिंग के अंदर ग्राफिक को जैसे कि स्टैंडर्ड कर लेना है, अगर स्मूथ है तो उसको स्टैंडर्ड कर लेना और अल्ट्रा है तो भी आपको उसको स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड ही वर्क करेगी। तो उसके बाद आपको ऑटो पिकअप के अंदर जाना है, ऑटो पिकअप के अंदर आपको जो भी ऑप्शन ऑन है उसको यहाँ पर से ऑफ कर देना है, सिर्फ आपको स्पेशल इक्विपमेंट्स को ही ऑफ कर दे ऑन करना है, बाकी सबको ऑफ कर देना है, जैसे कि हम कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर से अदर्स के ऑप्शन के अंदर डायमंड मेंबरशिप एंड फ्री लक जो देखने को मिल रहा है उसको ऑफ कर देना, जैसे कि हम कर लेते हैं। एंड आपको यहाँ पर से मेन मेन ऑप्शन को भी शो कर देना, जैसे कि हमने कर लिया। और आपको इसके बाद एक सेंड रिपोर्ट कर लेना है, जैसे कि हम सेंड रिपोर्ट कर लेते हैं। सेंड रिपोर्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर से अपने जो भी फ्री फायर उसको यहाँ से बैक कर लेना है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको वापस अपने फ्री फायर को ओपन करना पड़ेगा। और उसके बाद हम यहाँ से जो कि लक रोल के अंदर चले जाते हैं, तो चले गाइस यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ओनली वन ही जो कि वीपर रोल की कूपन है। तो गाइस उसके अंदर हमें मिलता है या नहीं ये ट्रिक 100% वर्किंग है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ लेके भी बताने वाला हूँ। तो चले गाइस यहाँ पर हम उसको स्पिन कर लेते हैं, तो स्पिन कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर M16 का स्किन मिल चुका है। तो गाइस आपको भी इस तरह से M16 का स्किन मिल सकता है, जो कि आपने इस ट्रिक को फॉलो किया है तो आपको 100% मिलेगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आपको M16 का जो स्किन है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पर से M16 का स्किन चाहिए तो जो मैंने ट्रिक बताया उसको आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके वापस फॉलो कर लेना और अपने M16 का स्किन जल्दी से जल्दी ले लेना। तो चलेगा इस यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही सिंपली और बहुत ही इजी तरीके से M16 का स्किन कैसे लेना है ट्रिक आपको इस वीडियो में बता दी। तो ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लेना। और ऐसी और एक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।